तो देखो ये हमारा ना पार्ट टू है, ठीक है? तो पार्ट टू में हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। तो माई एक्वेंटेंसी विद द बियर फुट रैग पिकर्स लीड टू मी सीमापुरी। मेरी जो एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान हुई थी वो नंगे पाँव कोड़े चुनने वालों से सीमापुरी में हुई थी। दिल्ली में है सीमापुरी, ए प्लेस इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है सीमापुरी, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो कह रहा है कुछ ही मील दूर है। दोज हु लिव हेयर, जो लोग यहाँ रहते हैं आर स्क्वेटर, वो आके यहाँ पे शरणार्थी तौर पे बस गए थे, वो कम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में आ गए थे। याद हो 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो जिसमें पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को मुक्त कर दिया था। उसमें इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में बहुत हेल्प की थी। तो कहता है कि ये जो लोग हैं ना बांग्लादेश से 1971 में आके यहीं पे शरणार्थी बन के रह गए थे, ठहर गए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब जो लड़का है उसकी भी परिवार उसी में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा वाइल्डरनेस है, यानी वीरान या ख़राब जगह है। और इट स्टिल इज, अभी भी ऐसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये हमेशा से इतना खाली ऐसा नहीं था। इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड, यहाँ पे कीचड़ मिट्टी के बने हुए चीज़ें हैं। द रूफ छत है टीन के बने हुए, तारपोलिन डिवोइड टू सीवेज, तार नालियों में कह रहा है कि तारपोलिन लगे हुए हैं, ड्रेनेज यानी नालियाँ बहती हैं, एंड रनिंग वाटर पानी बहता है नालियों में। एंड लीव 10,000 एक्वेयर, यहाँ पे करीब 10,000 तो कूड़े चुनने वाले ही रहते हैं सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर, लगता है वो यहाँ पे 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। तो 30 साल से भी अधिक समय के लंबे समय से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, यहाँ पे बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। उन पर कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान पत्र या आधार कार्ड या ये सब कुछ नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के भी रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनका राशन कार्ड बना हुआ है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर, ताकि इनका नाम ना वोटर में चढ़ गया है कि अभी वोट दे सकते हैं। लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, इससे वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, तो एक का कहना है कि भोजन बहुत ज़रूरी है, ना कि हमारी पहचान और हमारा मतलब भोजन ना हमारी पहचान से भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन का अंत होता है तो वी कैन फीड अवर फैमिली, हम अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड और सोने चले जाते हैं विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द ये हम फिर सो पाते हैं खाना खा के। वी वुड रेदर लाइव हेयर, हम यहाँ पे ऐसे ही रह रहे हैं, देन इन ए फील्ड, अपने उन खेतों को छोड़कर। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अब कोई अनाज नहीं देते, मतलब उन खेतों से तो अच्छा ही है जहाँ पे हम रहते थे, बार बार बाढ़ जाता था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और हमें अपने घर से अनाजों से हाथ धोना पड़ता था, तो उससे तो अच्छा ही है कि हम कम से कम यहाँ रह के अपना दो वक्त का पेट तो भर रहे हैं, लोगों का ये सोच रहे हैं वहाँ से। ए ग्रुप ऑफ वुमेन, वहाँ ये ऐसा कहा था वहाँ की बहुत सारे ग्रुप की औरतों ने, इन टेटर्ड साड़ी, इन्होंने एक टेटर्ड माने होता है फटा चितरा सा साड़ी पहनी हुई थी औरतें, तो उन्होंने बताया कि व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाई दे आर लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, उन्होंने अपने सुंदर और हरे भरे खेतों को नदियों को छोड़ क्यों दिया, तो व्हेन वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम, कह रहा है कि उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता है वो अपना टेंट वहीं लगा लेते हैं और वहाँ से अपना घर उन्हीं को मान लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उनके साथ बड़े होते रहते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, वो भी हमारे पार्टनर बन जाते हैं, हमारे साथ मिलकर सर्वाइवल माने जीवित रहने में मदद करने वाले, काम करने वाले बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कि रैग पिकिंग यानी कूड़ा चुनना, यानी सीमापुरी में अगर आपको रहना है तो वहाँ पे कूड़ा ही चुनना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं होता होगा। लिखा है कि थ्रू द ईयर्स, कह रहा है वर्षों से, कई वर्षों से इट हैड एक्वायर्ड द
प्रोपोर्शनल सोफे फाइन आर्ट, अब ये उनकी विशेष कला हो गई है ऐसा करना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके डेली का नाश्ता है, रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके छत के ऊपर के उनके सर के ऊपर एक छत है, ये कूड़ा। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, हालांकि उनका छत चूता भी हो तब भी। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ एवर मोर, लेकिन जो एक बच्चा है उसके पास इतना भी है वो काफ़ी है। आगे लिखा है कि आई समटाइम्स, मैं कभी कभी फाइंड ए रुपी, एक रुपये पा जाता हूँ, इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी एक रुपये से लेकर 10 रुपये तक भी पा जाता हूँ। ये साहिब ए आलम है, वो लड़का बता रहा था। साहिब से साहिब कहता है कि हीज आइज, उसकी जो आंखें हैं लाइटिंग है, उसकी आंखें चमक जाती हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन इन ए हिप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें कूड़े के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम्हारी आँखें भी चमक जाती हैं। यू डोंट स्टेप स्क्रोजिंग, फिर तुम रुकते नहीं हो, डोंट स्टॉप, तुम रुकते नहीं हो स्क्रोचिंग माने ढूंढते रहते हो फिर कि और मिलेगा। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आशा बढ़ती है कि हमें और मिलेगा ढूंढने में कूड़े में। इट सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम, कि यहाँ के बच्चों के लिए ना कूड़े का मीनिंग बहुत अलग है। वाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट, उनके परिवार का अर्थ अलग है कूड़े के लिए परिवार का अर्थ भी अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, उनके लिए हैरानी का उलझन है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए ये एक जाल है और बड़ों के लिए ये एक सर्वाइवल यानी जीवित रहने का साधन है। तो बड़े 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 लोग भी वहाँ पर कूड़ा चुनते होंगे। 10-20 साल पहले ऐसे ही था, सीमापुरी के आसपास बहुत गंदगी पाई जाती है, अभी भी जाओगे तो बहुत गंदगी होती है, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। पहले वहाँ पे पूरा कूड़े का ढेरी लगा रहता था और अधिकतर लोग कूड़ा वूड़ा चुनना, कूड़े की पन्ने चुना, यही सब काम करते हैं। तो वहाँ पे कई लोग पेट तो अपना समझ लो यही कूड़े का काम करके ही पालते हैं। तो उसी में से कहानी लिखा राइटर ने, एकदम सच्चाई लिखती थी वो। लिखा है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह सुबह आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन ए वाइट प्लेइंग टेनिस। तो एक दिन मैंने ना उसको एक गेट के ऊपर चढ़कर अपने पड़ोस में जो क्लब है उसमें उसने को देखा कि वो दो लोगों को अच्छे से जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं उन्हें टेनिस खेलते हुए देखा और कहने लगा कि आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, यानी वो धीरे से बोला बुड़बुड़ाया, कंटेंट टू वॉच इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन वो जो घेराबंदी था या दीवार थी उससे दूर से ही देख रहा था, तार की जाली से दूर से देख रहा था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता ना तब मैं अंदर जाता हूँ पार्क में, टेनिस के मैदान में। ही एडमिट, वो स्वीकार करता है, बताता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर चौकीदार है ना वो हमें झूला झूलने की भी अनुमति दे देता है। साहेब टू इज वीरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के जूते पहनना चाहता है या वो पहन रहा है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके शॉर्ट माने हाफ निक्कर में और उसके बेरंग वाले शर्ट पे उसको जूते पहनना बहुत अजीब लग रहा है। समवन गेव टू मी, उसने बताया कि ये जूते ना किसी ने उसे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने ना एक वर्णन के तरीके से मुझे बताया, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, उसने बताया कि हालांकि ये फेंके हुए छोड़े हुए जूते हैं, फॉर सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे ने अपने जूते छोड़ दिए होंगे, मेरे को मिल गए। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने पहने से मना कर दिया होगा उस अमीर बच्चे ने, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि किसी एक जूते में होल छेद हो गया था इसलिए उसने जूते फेंक दिए होंगे। तो डज नॉट बोदर हिम, उसके लिए ये परेशानी की बात नहीं होगी फेंकना, लेकिन मुझे तो मिल गया। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, लेकिन हम जैसे जो नंगे पाँव चलते हैं, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक छेद वाला जूता ही मिल जाए तो ऐसे लगता है हमारा सपना पूरा हो गया है, सच हो गया है। बट द गेम ही सर्चिंग सो इंटेंसली, लेकिन उसके जो ढूंढते रहने का काम है वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से जारी रहता है। इज आउट ऑफ हिज रीच,
वो उसकी कहीं भी पहुंच से बहुत दूर है, यानी वो हमेशा तलाश करते रहते कूड़े में कि आज जूता मिला, कल कुछ और मिलेगा, कुछ और। वो यही सब काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। दिस मॉर्निंग इस सुबह साहिब इज ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ। तो एक दिन जो मिल्क बूथ था, दूध का कोई दुकान, उसके पास से जाते उसने साहिब को देखा। इन इज हैंड इज स्टील कनस्तर, उसने देखा उसके हाथ में ना एक स्टील का कनस्तर है, बर्तन है यानी। और नाउ आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, इसे उसने बताया कि वो एक सड़क के किनारे जो चाय की स्टॉल यानी दुकान है वहाँ पे वो काम करता है। और पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस उसने इशारा करते बताया, देखो वहाँ पे काम करता हूँ। आई एम पेड, कहता है मुझे पता है कितने मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। एंड ही ऑल माई मील्स, ये और मेरे को पूरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो ये जॉब पसंद करता है। आयास, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस, उसका जो चेहरा था, आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा था वो चिंताओं से मुक्त था, लगता था चिंताएँ उसमें ख़त्म हो गई थी। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवी देन द प्लास्टिक बैग, उसको ना ये जो स्टील का कनस्तर है ना ये बहुत भारी लगता होगा, बल्कि अपने प्लास्टिक का थैला हु वुड कैरी सो लाइटली, जो कि अपने कूड़े चुनने का थैला वो बड़े आराम से उठा लेता था, और बहुत ही लाइटली माने हल्का भी लगता होगा उठाना। ओवर ही शोल्डर, अपने कंधे पे उठाना द बैग वाज इज, क्योंकि वो बैग उसका अपना है, यानी लेखिका कह रही है कि अगर कोई अपना खुद का थैला उठाए और खुद कूड़ा चुने तो उतना भारी नहीं लगता, लेकिन किसी दूसरे के यहाँ काम करना और उसके कनस्तर को उठाना, चाय बेचना, वो बहुत ज़्यादा भारी लगता है ना। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, ये जो कनस्तर है ना ये संबंधित है उस आदमी से जो उस चाय का मालिक है, चाय की दुकान का मालिक है, उसका है, उसका थोड़ी ना है साहिब का। साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, तो लेखक का ये कहना है कि साहिब ना अब खुद का स्वामी नहीं रहा, अब वो एक दूसरे के यहाँ सेवक नौकर हो गया और दूसरे का अब काम कर रहा है, तो उसकी आज़ादी भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। एक पहले क्या था कि कूड़ा चुनता था, अपनी आज़ादी भी होती होगी, कहीं भी इधर उधर घूम लिया फिर लिया, लेकिन अब तो दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, अब तो उसकी आज़ादी भी छीन गई। तो ऐसे ऐसे छोटी मोटी मजबूरी जो है राइटर ने एनी जैनिंग इन्होंने बताया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम यहाँ से एक नया कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसको अपना रिवाइज कर लेना।